नमस्कार साथियों, यदि आप केरल राज्य आए हैं तो और एक सिविल इंजीनियर है तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन के लिए लेटराइट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और ये एक जो है उत्तम क्वालिटी का लेटराइट यहाँ मिलता है। तो सदियों से इसका उपयोग यहाँ होता चला आया है, अतः आज आपको एक माइंस एरिया में मैं वीडियो, मेरे YouTube देखने वाले सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। लेटराइट क्या होता है या लेटराइट मृदा क्या होती है इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेटराइट मृदा या लेटराइट सॉइल या लेटराइट मिट्टी, लेटराइट का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह लेटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्राय सभी लेटराइट मृदाएँ जंग के रंग की या लालपन लिए हुए होती है। लेटराइट मिट्टी चाय, कहुआ आदि फसलों के उपयोगी है क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र जो है अधिकांशतः कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में स्थित है। भारत में लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले और पश्चिम बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठारों के ऊपरी भागों में मिलती है। इसका आर्थिक महत्व क्या है? लेटराइट में यदि लोहे की मात्रा अधिक है तो उससे लोहा प्राप्त किया जा सकता है। एल्युमिनियम की मात्रा अधिक रहने से ऐसे लेटराइट को बॉक्साइट कहते हैं और इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। मैग्नीज की मात्रा अधिक रहने से मैग्नीज प्राप्त किया जा सकता है। कच्ची सड़कों के निर्माण में मिट्टी के रूप में वे काम आते हैं। गृह निर्माण में लोहमय लेटराइट युक्त होते हैं। आजकल भारत के अनेक स्थलों में लेटराइट का उत्खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे स्थलों में उड़ीसा का जगन्नाथपुरी तथा आंध्र प्रदेश का गोदावरी जिला और मालाबार, दक्षिण कनारा, चिंगल जिला आदि तथा त्रावणकोर, कोचीन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक प्रमुख है। लेटराइट की आयु के बारे में जो लेख है कि उच्च स्तरीय लेटराइट के निर्माण काल के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ अति नूतन युग प्लायोसीन के या इससे भी प्राचीन हैं। कहीं कहीं के लेटराइट अत्यंत नूतन या अभिनव काल के भी बने हैं। निम्न स्तरीय लेटराइट निश्चित रूप से अभिनव काल के बने हैं क्योंकि इनमें प्रस्तर युग के पाषाण के औजार मिलते हैं। आदि नूतन प्लायोसीन काल के लेटराइट भी पश्चिमी पाकिस्तान में पाए गए हैं। लेटराइट जो है एक प्रकार का आवरण प्रस्तर रिगोलिथ है। यह भारत, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, क्यूबा आदि अनेक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत प्रायद्वीप में व्यापक रूप में प्राप्त होने के कारण इसका अध्ययन भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। लेटराइट शब्द लैटिन के लेटर माने ईट से बना है। इस नाम का आधार इसका रंग है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण है। फ्रांसिस यूकानन हैमिल्टन ने 1807 ईस्वी में दक्षिण भारत से प्राप्त एक सेल राख के लिए यह नाम प्रयुक्त किया था। लेटराइट एक प्रकार का स्फोटकर्ता वेसिकुलर मरणमय क्ले सेल है।
अवयवों की विभिन्न मात्राओं के कारण लेटराइट की अनेक किस्में पाई जाती है। इसी कारण इनके बाह्य रूपों में भी विभिन्नता पाई जाती है। लोहे के सांद्रण से कहीं कहीं खंड की संग्रथन मूलिथिक कंसंट्रेशन भी देखा जाता है। कहीं पर यह श्वेत होता है और कहीं चितकबरा। मोटर सेलों के सीखनों पर लोहे का स्थान कहीं कहीं मैग्नीज ऑक्साइड ले लेता है। जिस लेटराइट में लोहे का आधिक्य है उसे लोहमय फेरुजीनियस, इसमें जिसमें एल्यूमिनियम का आधिक्य है उसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनी फेरस और जिसमें मैग्नीज का आधिक्य है उसे मैग्नीज में मैग्नीफेरस लेटराइट कहते हैं। लोह में लेटराइट लाल या भूरे रंग का, एल्यूमिनियम लेटराइट धूसर या मटमैले श्वेत रंग का और मैग्नीज में लेटराइट गहरा भूरा या काले रंग का होता है। लेटराइट सरंध्र एंड पोरस पारगम परमिएबल और गर्त में पीटेड सेल है। क्रिस्टोलाइटी आकार का होता है। क्रिस्टोलाइट संकेंद्रीय संरचनाएं बनाते हैं। ये लोहे या एल्यूमिना सीमेंट से जुड़े रहते हैं। कोमल ताजे सेल को वायु में खुला रखने से वह निर्जलित होकर कड़ा हो जाता है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों की सपाट शीर्ष पहाड़ियों के ऊपर संस्तर में लेटराइट पाया जाता है। क्वार्टजाइट और सिलिका में सेलों को छोड़कर से सब नाना प्रकार के क्षारीय सेलों, चूना पत्थरों तथा अवसादी सेलों में लेटराइट बनते हैं। एल्यूमिना मृदा से भी लेटराइट बनता है। अपक्षय के फलस्वरूप ही अधिकांश स्थलों में पाए जाने वाले लेटराइट बने हैं। भारत के दक्षिणी लावा स्तर में लेटराइट मिलता है जिसकी मोटाई 100 फीट तक पहुंच जाती है। ऊपर के स्तर में लोहे का आधिक्य रहता है, उसे नीचे के स्तर में एल्यूमिनियम का आधिक्य रहता है और लोहे की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ऐसे लेटराइट को बॉक्साइट कहते हैं और एल्यूमिनियम के निर्माण में इसका उपयोग हो सकता है। उसके नीचे का अंश लिथोमार्जिक मृदा और अपरिवर्तित सेल रहते हैं। पूर्वी घाट का लेटराइट कोर्डेलाइट से बना है। इसमें गार्नेट सिलिमेनाइट तथा फेल्सपार रहते हैं। मलावार का लेटराइट सेलों से बना है। सेल जो है सिलिकेट होते हैं। बारी बारी से गीली और शुष्क ऋतुओं के होने से वर्ष भर ऊष्मा मौसम या गर्म भूपृष्ठीय जल के रहने से एवं जीवाणुओं और वनस्पतियों की क्रिया से सेलों का अपक्षय होता रहता है। सिलिकेट मिट्टी होते हैं। सिलिका का बहुत कुछ अंश पानी में घुलकर बह जाता है और लोहे तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड सजल अवस्था में रह जाते हैं। उनके साथ कुछ सिलिका और अन्य धातुओं के ऑक्साइड जैसे मैग्नीज टाइटेनियम आदि धातुओं के ऑक्साइड भी रह जाते हैं। यही लेटराइट है। भारत में लेटराइट का वितरण जो है किस तरह से है। दक्षिण भारत मध्य प्रदेश और बिहार के पठारों के उच्च स्थलों पर लेटराइट के निक्षेप पाए गए हैं। ऐसे पठारों की ऊंचाई 2000 से 5000 फुट या इससे अधिक है। यहाँ जो निक्षेप बहुत विस्तृत है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी लेटराइट का निक्षेप मिले हैं। यहाँ ये पतले स्तर में है। तमिलनाडु के कृष्णापल्ली जिले में उच्च स्तर गोंडवाना और ऊपरी क्रिटेशस संस्तरों का के संधि स्थान पर भी लेटराइट पाया जाता है। भारत के लेटराइट को उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय लेटराइट में बांटा गया है। 2000 फुट से ऊंचे स्थलों पर पाए जाने वाले लेटराइट को उच्च स्तरीय और उससे कम ऊंचे स्थलों पर पाए जाने वाले लेटराइट को निम्न स्तरीय लेटराइट कहा जाता है। निम्न स्तरीय लेटराइट पूर्वी घाट और वर्मा में पाए जाते हैं और निम्न स्तर वाले लेटराइट कम स्थूल मेसिव और अपर दी डेट्रियटल होते हैं। ये उच्च स्तरीय लेटराइट का ही विक्टन से बने रहते हैं।
इसी के साथ दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।